आपने अच्छा कहा कि अंतिम बजट है ये, सच्चाई भी यही है। और वैसे तो परंपरा यह है कि जब चुनाव को एक दो महीने तीन महीने रह जाते हैं तो बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाता है, कुछ लिखानदान पेश किया जाता है जिससे उस वक्त के खर्चे चल सकें जब तक दूसरी सरकार चुनाव जीत करके ना आ जाए। लेकिन उस परंपरा का निर्वाह सरकार ने नहीं किया है। मैं इस सरकार के बजट को इस रूप में देखता हूँ कि किसी आदमी को घर खाली करने को कहा जाए और घर खाली करते वक्त वो स्विच बोर्ड, पंखा, ट्यूबलाइट सब निकाल ले जाए और पूरे घर को बदरंग करके दूसरे को सौंप दे। इस सरकार ने भी वही काम किया है। इस सरकार ने, जिसको कोई भरोसा नहीं कि अगली सरकार इसकी बनेगी या नहीं बनेगी, उसने 2020 में क्या क्या देना है उसके वादे किए हैं। दूसरा, बजट की एक प्रक्रिया है। बजट पेश होता है, बजट पेश होने के बाद फिर वो पूरा बजट अलग अलग विभागवार जो संसद में कमेटियां बनी हुई उनको सौंप दिया जाता है। लेकिन चार साल तक तो उसने जनता को धोखा दिया ही दिया, अंतिम बजट में भी अपने खुद की उस मांग को उसने पूरा नहीं किया। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित कुछ मीडिया के लोगों ने उसको ये बताने की कोशिश की कि 5 लाख की छूट दे दी गई है, जबकि सच्चाई ये है कि स्लैब बदला ही नहीं गया। छूट का स्लैब 2.5 लाख पर कायम है। 2.5 लाख की छूट के ऊपर 1.5 लाख रुपये अगर आप PPF वगैरह में कहीं जमा करते हैं उसमें पहले से छूट थी। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसके ऊपर पहले से छूट थी। ATC में 40,000 की पहले ही से छूट थी। जो TDS का सवाल है कि फिक्स डिपॉजिट पर 10,000 की बजाय 40,000 कर दिया गया, तो आपको छूट नहीं मिली है। आपको सिर्फ इस बात की छूट मिली है कि अब बैंक वाला आपका TDS नहीं काटेगा, बल्कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तो वो टैक्स आप जमा करेंगे, तो वो भी कोई छूट नहीं है। इसी तरह से होम लोन इत्यादि की जो छूट थी वो पहले से मौजूद है।